जो बना रहे हैं पंख, पंख में प्रॉपरली लाइनिंग करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपरली अगर लाइन नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट जो अंदर अंदर जो पत्ता जो फांका रहता है वो समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपरली जो बिगनर आर्टिस्ट है उन लोगों को भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखे और समझे कैसे डिटेलिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली देखिए, क्योंकि अंदर जितना हम डिटेल करेंगे उतना जो डिटेल हो जा रहा है लाइन, प्रॉपर लाइन, उसका नीचे हल्का हल्का का शेडिंग दे देंगे, थोड़ा डीप कलर, उसका बाद थोड़ा वाटर मिला के थोड़ा लाइटली ऊपर शेड दे देंगे तो चीज़ तो खिलेगा। अंदर कितना गैप्स है नहीं है प्रॉपरली आपको समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमको कहाँ पे डीप है कहाँ पे लाइट है उसी हिसाब से हमको करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तब जो फेदर बहुत जन करता है वो प्रॉपर सा नहीं आता है, क्योंकि वो लोग लाइनिंग टेंसिलिंग पहले नहीं किया था सही से, उसलिए जो टैटू बना रहा है तो सही नहीं आ रहा था। ये सही बनेगा क्योंकि प्रॉपर लाइनिंग किया हुआ है, उसका बाद आस्ते आस्ते हम लोग शेडिंग देंगे। तो वीडियो चलता रहेगा और आप लोग देखते रहेंगे, और बिगिनर आर्टिस्ट के लिए ये तो अच्छा ही है, तो देखते रहिए एंड तक। तो बेसिकली ये एक कवर अप टैटू हो रहा है जिसमें हमको जो लाइनिंग अंदर से बना हुआ है तो वो तो लाइनिंग करेंगे ही, ठीक है, और जो मान लो कि जो नाम लिखा हुआ है पहले से उनका कस्टमर का स्किन में, तो वो पहले देखना होगा, थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से देखिएगा, थोड़ा टेक्स्ट का टी एस, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा दिख जा रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, फेदर प्रॉपरली हम लोग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा हम लोग स्टिक ऐड कर देंगे, थोड़ा लाइनिंग एंड शेडिंग अगर ऐड कर देंगे वो चीज़ तो प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर इन द सेंस जो जहाँ पे दिख रहा था कि एक टेक्स्ट दिख रहा है, ए जेस दिख रहा है या तो पी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा था, उसमें क्या है थोड़ा एक लाइन बढ़ा देना है, बढ़ा के प्रॉपरली शेप में रखना है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ तो बढ़िया हो जाएगा। तो हम लोग नीडल्स यूज़ करेंगे इसका, क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें नीडल्स यूज़ करेंगे हम लोग 3RL, किस चीज़ के लिए 3RL यूज़ करेंगे वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो तीन बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो होगा 3RL से, एंड जो शेडिंग होगा वो 3RS से भी कर सकते हो और 3RL से भी कर सकते हो, मगर शेडिंग का RS से अच्छा कनेक्शन बनता है तो RS से भी कर सकते हो। एंड क्या है ना कि देखो पीछे अभी हो गया है, कितना सुंदर दिख रहा है, और जो लाइनिंग होगा नीडल्स का उसमें हम क्या करेंगे 5RL देंगे, जो फेदर है प्रॉपर जो फेदर है वो उसमें 5RL देंगे, क्योंकि वो डिज़ाइन तो प्रॉपर आएगा, पूरा जो एजेस है एजेस पूरा क्लियर होगा, उसलिए हम लोग 5RL देंगे। और अभी जो ओम बनाएंगे, ओम विद गणेश, एक पीठ में होगा छोटा सा, जो कि अंदर जो बिंदु है वो रेड होगा और जो ओम है वो पूरा ब्लैक में होगा। तो ये भी जैसा आँख है छोटा सा जो आँख दिख रहा है वही 3RL से होगा, बाद बाकी तुम 3RL से कर सकते हो, जल्दी होने के लिए तुम 5RL भी यूज़ कर सकते हो। हमने 5RL यूज़ किया है ओम पे, और जो आँख है वो 3RL का यूज़ किया है। अभी सोचो कि कितना इंची का ये टैटू बना है, ओम है 3 इंची का टैटू, 3 इंची लंबाई में 3 इंच का टैटू है, और जो फेदर है वो 4 से 4.5 इंची का टैटू है जो फेदर है, ठीक है। अभी देखो कंटिन्यू,
तो फ्रेंड्स ये है मेरा वर्क स्टेशन, इसमें इंक है, नीडल्स है, क्रीम्स है, मशीन्स है, ग्रीन सोप है, ठीक है, सब कुछ है। तो ये पहले क्या करना होता है, हाइजीनिक मेंटेन करना होता है। तो कैसे हाइजीनिक मेंटेन किया जाता है, तो वही थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। और जो ट्रेनिंग मेरे से लोगे उसमें से प्रॉपरली हम तो दिखाई देंगे, उसमें कोई डाउट्स ही नहीं रहेगा। तब भी यहाँ पे बहुत जन का रिक्वायरमेंट रहता है कि भैया थोड़ा डिटेल्स हमको एक वीडियो बना के दिखाइए, तो इन काइंड ऑफ एक वीडियो बना के आप लोगों को ये पेश कर रहे हैं। तो पहले तो हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए ग्लव्स ज़रूरी है, ठीक है, विदाउट ग्लव्स कुछ होता नहीं है, तो ग्लव्स है। उसके बाद टिश्यू पेपर से इंक का जो स्टैंड है उसमें पूरा रैप किया हुआ है, रैप करके उसके बाद नीडल साइड में रखे हुए हैं, एक्चुअली साइड में रखे हुए हैं। जब कस्टमर आएगा, ठीक है, आने का वक्त हम कस्टमर को नीडल्स दिखाएंगे एंड टिप जो है वो दिखा कर ही ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने का बाद ही काम स्टार्ट होगा, तो उससे पहले थोड़ा पानी हमको साइड में रखना होगा, क्योंकि रेड कलर भी है एंड ब्लैक कलर भी है, तो रेड थोड़ा होगा और ब्लैक पूरा दो टैटू में होगा, तो इसलिए हम साइड में रखे हुए। और ये है ब्लू शॉप। तो जैसे कि देख रहे अभी सेटअप कर रहे हैं, पूरा अभी सेटअप हुआ नहीं है। तो पहले तो टिश्यू पेपर रखना है वर्क स्टेशन में, क्योंकि वो चीज़ मान लो कि पहले कोई टैटू किया हुआ है तो उसमें कुछ किसी का इंक का थोड़ा बूंद या तो ब्लड रह सकता है, तो वो पहले क्लियर करके पूरा फेंक देना पड़ता है। फेंक देने के बाद फिर नया साइड में एक टिश्यू रखना होता है, ठीक है। तो ये टिश्यू रख रहे हैं क्योंकि टिश्यू इजी टू ख़रीदना होता है, ठीक है, सबसे सस्ता होता है टिश्यू पेपर। और भी बहुत सारा टैटू का चीज़ है तो उससे अच्छा ये सबसे सस्ता है और प्रॉपर वे में काम भी होता है, फटाफट करके हम लोग जो काम होगा, नेक्स्ट काम होगा, फटाफट हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, तो इसलिए टिश्यू पेपर ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं अभी काम, पूरा सज गया है, इंक वगैरह क्रीम वगैरह सब कुछ रखती है, अभी काम स्टार्ट करेंगे। पहले उससे पहले हम लोगों को जो स्टैंड है, आर्म स्टैंड, वो थोड़ा क्लियर करना है। तो वीडियो तो पूरा देखिए बिगिनर आर्टिस्ट, क्योंकि ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक क्या हाइजीनिक प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इससे पहले हम बेड एक बार क्लियर कर चुके थे, तो अभी बेड क्लियर नहीं कर रहे, ठीक है। तो जिसमें आर्म स्टैंड में हम लोग बार बार टैटू करते हैं उसमें इंक वगैरह लग के जाता है, और जो किसी का खून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रॉपरली क्लियर करने का ज़रूरत है, तब जाके आप लोग सही से टैटू बना पाओगे। तो ये है जो नाम समथिंग जय समथिंग कुछ लिखा हुआ है, वट एवर इट इज़, तो यही हमको चेंज करना है, फेदर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं काम शुरू। तो मेनली आज ये टैटू जो है रिमूविंग होगा, एक्चुअली रिमूव मतलब फुल रिमूव नहीं होगा, इसके ऊपर कवर अप होगा। तो इसमें कुछ नाम लिखा रहेगा, मतलब है, तो उसमें चेंजेस करके ये जो डिज़ाइन है फेदर विथ बर्ड, ये हम यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा 19-20 नीचे आगे पीछे होगा, क्योंकि जो डिज़ाइन है थोड़ा टेढ़ा था, तो उसी हिसाब से हमको बैलेंस करके ये पेस्ट करना पड़ रहा है। तो देखते हैं चलिए कैसे लगता है।
तो अभी नीडल्स डाल रहे हैं और टिप भी डाले हैं, ठीक है। अभी जब लॉक करने का टाइम आया है तब फट करके मशीन जब ऑन किए थे फट करके टिप तो गिर गया। तो क्या हुआ, खोल के देखे कि नीडल्स टूट गया है। तो इसमें कोई पाकामी बुद्धि नहीं करना है बिगिनर आर्टिस्ट को, तो प्रॉपरली भोजन क्या करते हैं सही कर देता है उंगली से, वो सब कुछ नहीं करना है, पूरा एकदम फेंक देना है वो नीडल्स, फिर नया नीडल्स लेके काम करना होगा, ठीक है। नहीं तो काम नहीं होगा, ब्लीडिंग होगा, ओके। ये चीज़ तो ध्यान रखना होगा बिगिनर आर्टिस्ट, ओके। तो मेनली ये है ब्लैक वाला बर्ड, वो 3 RL से, क्योंकि वो एकदम पतला था, अभी 5 RL यूज़ करेंगे इस फेदर के लिए। ये हुआ है, अभी हल्का सा लाइनिंग हुआ है, उसमें क्रीम लगा हुआ है, फिर अभी चालू होंगे शेडिंग। हेलो, दिस इज शॉन अप एंड यू आर वॉचिंग इन ड्रॉप टैटू एंड फोटो स्टूडियो। तो आज एक टैटू बनाया है, बहुत ही खास एक जन है जो इस रूम से रिलेटेड ही है एक जन, तो ये मैं किसी और दिन बताऊंगा कौन है नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए जानते हैं कि वो क्यों आए हैं यहाँ पे टैटू बनाने के लिए, और कवर अप जो टैटू बनाया है पहले क्या था, ठीक है, उसमें क्या क्या बना था और उसमें कितना लगा था और अभी कितना पेन हुआ है, सब डिटेल्स में आपको बताएगा, ठीक है। वो जब बोलते हैं कि पेन है, पेन लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि कम लगता है, कस्टमर का मुंह से सुन लेंगे क्योंकि हम कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। कितना लगा है, कितना खून निकला है नहीं है, वो कस्टमर का मुँह से ही सुन लेंगे। तो चलिए उनसे पहले पूछ लेते हैं उनका नाम और क्या हुआ है काम। पहले ये टैटू नहीं था, वो गुंदाए थे हम, लेकिन वो इतना बकवास था। फिर मेरी बहन मेरे को ले आई, बोला उनका जान पहचान का है, तो मैं आई, रिकवर किया इसको, बहुत अच्छा लग रहा है, ना कोई दर्द हुआ ना कोई खून आया, बस ऐसा ही रहे तो अच्छा है। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन जो है पीठ में उनका, तो वही दिखाएंगे आप लोगों को। लाइनिंग हो चुका है, वीडियो वो नहीं दिखा पाए क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा वीडियो, तो अभी उसका अंदर शेडिंग कर रहे हैं। तो फुल कंप्लीट हो गया, फुल मीन्स ब्लैक का पूरा कंप्लीट हो गया, अभी रेड देंगे अंदर में थोड़ा। कि अभी पीठ का जो टैटू बनाया है
वो अभी कंप्लीट हो चुका है, तो कस्टमर का मुंह से हम सुन लेंगे, अभी उसका रिव्यू सुन लेंगे। थोड़ा इस तरफ घूमेंगे प्लीज। बोलिए कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा ना? अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो टैटू बनाया है, कवर अप था, थोड़ा मुश्किल था, तो उसमें प्रॉपरली अंदर थोड़ा लग रहा था, क्योंकि एक बार किया हुआ था वो जगह, थोड़ा थोड़ा लग रहा था, मगर प्रॉपरली कर दिए है। देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। सो थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, भैया को फेमस कर देना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।